हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। आज का जो टॉपिक होने वाला है वह कंजम्पशन फंक्शन के रिलेटेड होने वाला है। क्या होने वाला है दोस्तों? कंजम्पशन फंक्शन के रिलेटेड होने वाला है। हम लोग आज ये समझेंगे कि क्या होता है ये कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। आराम से समझेंगे और एट द एंड आपको इसके रिलेटेड डाउट होगा ही नहीं। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन दोस्तों, इसे हम लोग आराम से समझेंगे। कंजम्पशन फंक्शन शोस द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड द वेरियस लेवल ऑफ इनकम। मतलब वेरियस लेवल ऑफ इनकम में आप कैसे कंजम्पशन कर रहे हैं वो बता दिया आप लोगों को कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है दोस्तों तो आप किस तरीके से कंजम्पशन लेवल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बताएगी? कंजम्पशन लेवल बताने वाली है कि कैसे आप वेरियस लेवल ऑफ इनकम में कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, एज द इनकम राइजेस, जब इनकम हम लोगों का बढ़ता है ठीक है, कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस। हम लोगों ने प्रीवियसली एग्रीगेट डिमांड में भी देखा था कि कंजम्पशन बढ़ने, इनकम बढ़ने से क्या होता है दोस्तों? कंजम्पशन बढ़ता है। ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। यहाँ में क्या होता है? इनकम एंड कंजम्पशन में क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इनकम एंड कंजम्पशन में क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली क्या है दोस्तों? तो कंजम्पशन फंक्शन आपको ये बताती है दोस्तों कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में आपका कंजम्पशन कैसा है, आप कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, आप बेसिकली किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का कितना परसेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपको बताती है कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है? कंजम्पशन और इनकम का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा दोस्तों वैसे वैसे आप क्या करिएगा? कंजम्पशन लेवल को भी क्या करिएगा? बढ़ाइएगा। ठीक है, देखो इट इज रिटन एट कंजम्पशन फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं? CO प्लस बी प्लस वाई। ठीक है, अब ये समझो ये क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन। इज ए टू टाइप्स, कंजम्पशन फंक्शन का दो टाइप्स होता है। ठीक है, एक होता है आपका ठीक है ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या होता है दोस्तों? एक होता है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब इट मींस दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट। लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंजेस इन इनकम। मतलब इनकम के चेंज होने, इनकम अगर चेंज भी होगा तो कंजम्पशन चेंज नहीं होगा। दिस अमाउंट ऑफ कंजम्पशन विच विल टेक प्लेस इवन वेन द इनकम इज जीरो। ये कब होता है बेसिकली? जब इनकम जीरो होगा तो कंजम्पशन क्या होता है दोस्तों? 40 होता है। मतलब इनकम जीरो होगा तो कंजम्पशन कितना होता है? 40 होता है। इन द इक्वेशन CO इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या होगा दोस्तों? ये होता है CO का मतलब ही क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। मतलब सिंपल सा बात है, ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या होगा? इनकम के चेंज होने पर कंजम्पशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब इनकम तुम्हारा जीरो है तो कंजम्पशन कितना होने वाला है? 40 होने वाला है। एक होता है आपका इंड्यूस कंजम्पशन। क्या होता है? इंड्यूस। इसका मतलब इट मींस द लेवल ऑफ कंजम्पशन विच चेंजेस ठीक है विद द चेंज इन द इनकम। एज इनकम राइजेस कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस इन द इक्वेशन बी वाई रिप्रेजेंट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा अगर इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी क्या होगा दोस्तों? चेंज होगा। इसे बोलते हैं हम लोग इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये तो तुम लोग समझ गए होगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका दो टाइप्स होता है बेसिकली। इसका दो टाइप्स होगा। क्या होगा? एक होगा तुम्हारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होगा तुम्हारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बोलेंगे हम लोग APC एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बोलेंगे MPC। ठीक है, अब देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है ये समझना। इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड कोरस्पॉन्डिंग इनकम। इन अदर वर्ड्स इज हाउ मच इनकम द कंज्यूमर कंज्यूम्स। मतलब लोग अपने इनकम का, मतलब इंडिविजुअल अपने इनकम का कितना परसेंट कंज्यूम करता है, इनकम अपने कंज्यूमर अपने इनकम का कितना परसेंट क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेट्स सपोज जैसे कि किसी कोई पर्सन है जो 100 रुपीज कमा रहा है, तो जैसे लेट्स सपोज इसका 50 रुपीज का कंज्यूम करता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द कोरस्पॉन्डिंग इनकम। मतलब जो भी हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो भी इनकम है, तो इनकम का कितना परसेंट हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। इन अदर वर्ड इट्स हाउ मच इनकम द कंज्यूमर कंज्यूम। मतलब अपने इनकम का कितना परसेंट लोग, कितना परसेंट क्या हो रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे कि देखो इनकम जीरो है
तो कंजम्पशन कितना है 40 है, ठीक है। और एपीसी का फॉर्मूला क्या होगा, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो फिर इनकम 100 हो गया तो कंजम्पशन कितना हो गया 140। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है, सी डिवाइडेड बाय वाई। पहला केस में तो जीरो ही हो जाता, सी डिवाइडेड बाई मतलब 120 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना होगा 1.20। फिर 200 डिवाइडेड बाई 200 तो 1, ठीक है। 300 280 डिवाइडेड बाई 300 280 डिवाइडेड बाई 300 तो 0.993। फिर 360 डिवाइडेड बाई 400 तो 0.49, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल अपने इनकम का कितना परसेंट क्या हो रहा है, कंज्यूम करता है। ये कौन बताता है आप लोगों को, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। ये टेबल आपको समझ में आया ही होगा कि एपीसी का फॉर्मूला है कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था मैंने, कंजम्पशन 120 है तो इनकम कितना है 100 है, उससे हम लोग डिवाइड करके इस तरीके से टेबल को बनाएंगे, ठीक है। अब इसका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो देखो एपीसी ग्रेटर देन 1, मतलब एपीसी क्या है, देखो ये एपीसी है ना, एपीसी यहाँ पे 1 से ज़्यादा है या नहीं है, तो एपीसी ग्रेटर देन 1 व्हेन द इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। एपीसी ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब तुम्हारा क्या होगा इनकम कम होगा और कंजम्पशन ज़्यादा होगा बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। एपीसी इक्वल्स टू 1, एपीसी इक्वल्स टू 1 कब होगा, यहाँ पे एपीसी 1 है ना, इक्वल्स टू 1 ना, ये कब होगा, जब तुम्हारा इनकम एंड कंजम्पशन दोनों क्या है इक्वल है एट ए ब्रेक इवन पॉइंट। एपीसी लेस देन 1 कब हो जाएगा, व्हेन द इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, तुम्हारा इनकम ज़्यादा एंड कंजम्पशन कम, तब एपीसी क्या हो जाएगा तुम्हारा लेस देन 1 हो जाएगा बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद। अब ब्रेक इवन पॉइंट पता है तुम लोगों को, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। एपीसी डिक्रीज एज द इनकम इंक्रीज, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है तो एपीसी क्या हो रहा है दोस्तों, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एपीसी नॉट इक्वल्स टू 0, एपीसी कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब जितना भी इनकम कमाएंगे उसका कुछ ना कुछ इनकम, कुछ ना कुछ हिस्सा तो कंज्यूम करने वाले हैं, मतलब जितना भी हम लोग इनकम कमाएंगे उसका कुछ ना कुछ तो हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि कंजम्पशन कम करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। अगर कंज्यूम नहीं करेंगे तो कुछ पॉसिबल होगा कि जो जीना पॉसिबल होगा, जीना पॉसिबल नहीं होगा, याद रखना। फिर सिंस कंजम्पशन इज 0 इवन इफ इनकम 0, कंजम्पशन क्या है 0 इवन इनकम 0, इट इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये मैंने तुम लोगों को बताया, ये पॉइंट तुम लोगों को समझ में आया ना। अगर मान लो लेट सपोज, अगर मान लो तुम लोग 1000 बहुत ज्यादा हो गया ना, मान लो तुम 10,000 रुपीज कमा रहे हो तो तुम्हारा इनकम 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हो गया, लेट सपोज तुम क्या कुछ ना कुछ तो कंज्यूम, अगर नहीं कंज्यूम करोगे तो देख लो भगवान के प्यारे हो जाओगे, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं है, इसलिए एपीसी नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या है दोस्तों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो उसमें क्या होता था कि हम लोग अपना इनकम का कितना परसेंट हिस्सा कंज्यूम कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते थे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते थे। ये तुम्हारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मान लो अभी देखो दुर्गा पूजा हुआ, क्या हुआ, जैसे कि मान लो ये मान लो मिस्टर रवि है, ये किसी कंपनी में काम करते, दुर्गा पूजा में क्या मिला, बोनस मिला, क्या मिला, बोनस मिला, इन्हें 1000 रुपीज बोनस एक्स्ट्रा मिल गया, माने 1000 नहीं, इनका सैलरी था 10,000, ठीक है, इनका सैलरी 10,000 था और दुर्गा पूजा में इन्हें और एक्स्ट्रा से 10,000 मिल गया, मतलब इनको कितना मिला, टोटल 20,000 रुपीज मिला या नहीं मिला, ये एक्स्ट्रा 10,000 मिला या नहीं मिला, इनका सैलरी कितना है 10,000 रुपीज। और अभी दुर्गा पूजा हुआ तो कंपनी में क्या होता है, बोनस देता है ना दोस्तों, तो दुर्गा पूजा में क्या हो गया 20,000 रुपीज का क्या हो गया, इन्हें बोनस मिल गया, कुछ इवेंट में इसे क्या इन्हें क्या मिल गया 10,000 का बोनस मिला, मतलब 10,000 इनका सैलरी प्लस 10,000 बोनस, इनको टोटल कितना मिला 20,000। तो इनका एडिशनल इनकम कितना हुआ, ये इनका एडिशनल इनकम हुआ या नहीं हुआ, 10,000 इनका क्या है एडिशनल इनकम, क्या है एडिशनल इनकम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम आपको ये बताती है कि जो आपका पड़ा हुआ इनकम है, जो आपका एडिशनल इनकम है, अपने आप अपने एडिशनल इनकम का कितना परसेंट हिस्सा क्या करे कंज्यूम करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब अपने बढ़े हुए इनकम का कितना परसेंट हिस्सा आप कंज्यूम करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दोस्तों। और एवरेज प्रोपेंसिटी क्या था, आप अपने इनकम का कितना परसेंट कंज्यूम करते हैं वो कौन बताती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताती है आपको दोस्तों, कि अपने आप
अपने बढ़े हुए इनकम मतलब आप अपने एडिशनल इनकम का कितना परसेंट हिस्सा कंज्यूम करते हैं उसे को बता दी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो बता दिया, देखो क्या लिखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेजर्स हाउ मच मोर इंडिविजुअल विल स्पेंड फॉर एवरी एडिशनल ऑफ डॉलर ऑफ इनकम। एमपीसी इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ मार्जिनल कंजम्पशन टू मार्जिनल इनकम। ठीक है, ये होता है मतलब एडिशनल इनकम का बात हो रहा है ना कि आप अपने एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम का कितना परसेंट खर्चा कर रहे हैं उसे कौन बता दिया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बता दिया। जैसे कि देखो यहाँ पे इनकम 0 कंजम्पशन 40, इनकम 100 कंजम्पशन 120, इनकम 200 कंजम्पशन 200, इनकम 300 कंजम्पशन 280, इनकम 400 कंजम्पशन 360। ये हम लोगों ने देखा ही था। फिर देखो कंजम्पशन में कितना चेंजेस आया, कंजम्पशन में 80 का चेंजेस आ रहा है। फिर इनकम में कितना, इनकम बढ़ रहा है ना दोस्तों, तो इनकम कितना बढ़ रहा है, तो इनकम 100 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग एमपीसी कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वाई। चेंज ऑफ सी मतलब सी में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ वाई कर देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, एमपीसी निकल जाएगा। मतलब सी में कितना सा चेंजेस है, इसका मतलब क्या होता है, चेंज क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब क्या दोस्तों, चेंज क्या दोस्तों, चेंज। सी में कितना सा चेंजेस आया, देखो सी में 80 का चेंजेस, इसमें 80 का, इसमें 80 का, इसमें 80 का चेंजेस आया, याद रखना तुमने। ठीक है, और इनकम में, इनकम में देखो 100 का चेंजेस आ रहा है, कितना का, 100 का। ठीक है, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा तुम्हारा, एमपीसी हो जाएगा। अब देखो देखो यहाँ पे इक्वल्स टू होगा, देखो एमपीसी जो होता है ना हमेशा 0 के समान होगा या 1 से, देखो यहाँ का एमपीसी क्या होगा, एमपीसी हमेशा यहाँ पे रुको एक मिनट, देखो एमपीसी कहाँ गया तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा एमपीसी है या नहीं है, ये क्या तुम्हारा एमपीसी, एमपीसी हमेशा क्या होगा पता है, 1 से छोटा होगा या इक्वल्स टू 1 होगा, और 0 से क्या होगा, 0 से क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, एमपीसी याद रखना 0 नहीं होगा, 0 भी हो सकता है कभी काल एमपीसी। ठीक है, तो एमपीसी हमेशा रखना 0 और 1 के बीच में रहेगा, एमपीसी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगा या एमपीसी माइनस में कभी भी जाने वाला नहीं है, याद रखना एमपीसी हमेशा 0, एमपीसी हमेशा क्या होने वाला है, 0 और 1 के बीच में रहने वाला, याद रखना एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहने वाला। देखिए देख रहे हो ना एमपीसी में क्या हो रहा है, 0.80 0.80 0.80, चाहे वही 1 से इंक्रीज हुआ है कभी भी 1 से इंक्रीज होने वाला नहीं है, या तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा या 1 से कम रहेगा, कभी भी 1 से ग्रेटर होने वाला नहीं है। ठीक है, एमपीसी क्या क्या होगा, 0, एमपीसी कब होगा, एमपीसी 0 भी हो सकता है, मैंने बताया यहाँ देखो मैंने हमें क्या लिखा है, इक्वल का साइन लगाया ना, एमपीसी या तो 0 हो सकता है, एमपीसी या तो 1 हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 0 का इधर में रहने वाला, कभी भी ये एमपीसी माइनस में जाने वाला नहीं है। जैसे कि देखो एमपीसी 0 कब होगा, एमपीसी इक्वल्स टू 0 कब होगा, व्हेन एंटायर एडिशनल इनकम इज सेम। अब मान लो तुमको 10,000 का एडिशनल इनकम हुआ, एडिशनल इनकम को मैं बात कर रहा हूँ, मेन इनकम का नहीं, मेन इनकम कितना था 10,000, लेकिन एडिशनल इनकम और कितना हुआ था 10,000, टोटल कितना हुआ था 20। तो देखो तुम लोग इस एडिशनल इनकम को पूरा का पूरा अगर सेव कर लोगे, ठीक है पूरा का पूरा सेव कर लोगे तो एमपीसी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, मतलब तुम कुछ खर्चे किए नहीं तो एमपीसी क्या हो गया, 0, मतलब एमपीसी इक्वल्स टू 0 हो सकता है, याद रखना। ठीक है, एमपीसी इक्वल्स टू 1 मतलब व्हेन द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम, तुमको मान लो 10,000 रुपीज का एडिशनल इनकम हुआ तो 10,000 का 10,000 क्या कर लिए दोस्तों, कंज्यूम कर लिए, खर्च कर लिए, तो एमपीसी इक्वल्स टू 1 मतलब देखो यहाँ पे ना मैंने क्या लिखा, इक्वल्स टू लेस देन, देखो इक्वल क्वेश्चन लगा ना, तो एमपीसी इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1 हो सकता है। ठीक है, फिर एमपीसी ऑफ पुअर ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ रिच, मतलब पुअर का एमपीसी ज्यादा होता है और रिच का एमपीसी कम होता है। अब लेट सपोज दो एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है मैं ये पॉइंट समझाने के लिए मैं दो एग्जांपल्स देता हूँ। मान लो ये मिस्टर अनुज है, ये कौन है, मिस्टर अनुज है, ये मिस्टर पप्पू है, मिस्टर क्या है पप्पू, मिस्टर क्या है पप्पू। ठीक है, तो मिस्टर अनुज का सैलरी है 1 लाख पर मंथ, 1 लाख
पर मंथ इनका सैलरी है 1 लाख पर मंथ, इनका सैलरी है 10,000 पर मंथ, इनका कितना है 1 लाख पर मंथ, उनका है 10,000 पर मंथ। अब दुर्गा पूजा का बोनस मिला इन लोगों को, दोनों को इवेंट है दुर्गा पूजा में बोनस मिला, इनको मिला 10K का बोनस, ठीक है, इनको मिला 1 लाख का बोनस, कितना 1 लाख का बोनस, ठीक है, इनको मिला 1 लाख का बोनस, इनको मिला 10K का बोनस। अब बताओ खर्च कौन करेंगे इनका, देखो इनका तो सैलरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इनका सैलरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो ये पूरा का पूरा 1 लाख उड़ाएंगे क्या, मतलब जितना उड़ाएंगे भी तो कितना होगा, 10,000, 20,000, 50,000 हार्डली उड़ा देंगे कभी भी, क्या पूरा का पूरा खर्च करने वाले, क्योंकि 1 लाख सैलरी है, मतलब ये क्या है समृद्ध इंसान, इनके पास सब कुछ होगा ही, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। लेकिन जो पप्पू का पास 10K रुपीज है, अगर इनको एडिशनल इनकम मिलेगा तो ये क्या करेंगे, एडिशनल इनकम में जो जरूरत का सामान होगा, जो घर पे नहीं होगा, वो सब सामान को क्या करेंगे लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये सब पैसा उड़ा देने वाले हैं, मतलब मैक्सिमम पैसा खर्च कर देंगे, और ये इतना पैसा खर्च करने वाले नहीं है, ये कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो ये कंजम्पशन अपने एडिशनल इनकम का कम करेंगे, इसलिए क्या होगा एमपीसी ऑफ पुअर ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ रिच, मतलब एस पुअर अर्न एंड कंज्यूम, पुअर अर्न करेगी और कंज्यूम कर देने वाली है, ठीक है, बट वेयर एज ए रिच अर्न एंड सेव, रिच क्या करेगी दोस्तों अर्न करेगी एंड इसे सेव कर लेगी पार्ट ऑफ दियर इनकम, सिमिलरली एमपीसी ऑफ डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप कर रही है वो क्या करेगी ज़्यादा खर्च करेगी, ठीक है, और डेवलप कंट्री खर्च करने वाली है क्या, इसीलिए डेवलपिंग कंट्री का एमपीसी ज़्यादा होगा एज कंपेयरिंग टू द डेवलप कंट्री। ये था तुम्हारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के रिलेटेड कॉन्सेप्ट, अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो अपने इस भैया को याद रखो, कौन सा भैया, रोहित भैया को याद रखो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और इसके रिलेटेड पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।